बाबा रामदेव जो योग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने दुनिया भर में योग का एक ऐसा डंका बजाया है कि वो घर घर तक पहुंच गया। रामदेव ने योग को दुनिया तक पहुंचाया, हर कोई उनके योग को फॉलो करता है। बाबा रामदेव ने पतंजलि नामक कंपनी को बनाया और आज के दौर में ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। लेकिन एक योगी से ये आज इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे बन गए, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। बाबा रामदेव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं, तो समय को न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं इनकी संपत्ति से रूबरू होना। लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या आप भी बाबा रामदेव के योगा को फॉलो करते हैं। बाबा रामदेव हमारे देश की जानी मानी हस्ती है, उन्हें देश विदेश सभी जगह जाना पहचाना जाता है। बाबा रामदेव के द्वारा ही आज देश विदेश में योग को इतना जाना पहचाना जाता है। बाबा रामदेव का नाम रामकृष्ण यादव था। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने अपना नाम स्वामी रामदेव रख लिया। स्कूल में पढ़ाई उन्होंने 8वीं तक की। उसके बाद उन्होंने अलग अलग गुरुकुल और गुरुओं के आश्रम में जाकर धर्म, वेद, ग्रंथों, योग और साहित्य के बारे में गहन चिंतन किया। हरियाणा के खानपुर गांव के एक आश्रम में रहने के दौरान वो वहां से लोगों को मुफ्त में योग की शिक्षा दिया करते थे। इसके बाद वो हरिद्वार चले गए और वहां के कांगरी विश्वविद्यालय एवं गुरुकुल में प्राचीन भारतीय शास्त्र का ज्ञान कई सालों तक अर्जित किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने दुनिया की मोह माया से संन्यास ले लिया और जाकर गुरुकुल में रहने लगे, जहाँ पर वो आसपास के लोगों को योग की शिक्षा देते थे। जिसके बाद कहा जाता है कि बाबा रामदेव ने हिमालय में जाकर कई सालों तक तप भी किया है। उसके बाद ये हरिद्वार आ गए, जिसके बाद हरिद्वार के घर में बनी दवाइयों को ये घर घर जाकर साइकिल पर बेचा करते थे। इनके गुरु शंकर देव की तबीयत खराब होने के कारण इन्होंने उनके ट्रस्ट दिव्य योग ट्रस्ट को संभाला, जिनमें उनका साथ उनके बचपन के दोस्त बालकृष्ण ने दिया, जो आज भी इनके साथ है। लेकिन अगर बात करें कि इनकी संपत्ति के बारे में, तो आपको बता दें कि इन्होंने दिव्य योग ट्रस्ट के बाद पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट को बनाया, जिसका मकसद था लोगों के जीवन में आयुर्वेदिक चीजों को यूज करवाना और आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान करवाना। इस योग पीठ में हॉस्पिटल, योग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी और आयुर्वेदिक फार्मेसी के अलावा फूड पार्क और कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग है। बाबा रामदेव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। इनके पास लग्जरी गाड़ियां, महंगे बंगले और कई ऐसी लग्जरियस चीजें हैं जो कई बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास भी नहीं है। वहीं अगर बात करें इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो इनकी टोटल नेटवर्थ 190 मिलियन यानी कि भारतीय रुपयों में 1400 करोड़ है, जो इनके ब्रांड पतंजलि, FMCG और कई रियलिटी शो से इनकी कमाई होती है। इनकी कमाई का मुख्य जरिया पतंजलि आयुर्वेद और रुचि सोया ब्रांड की चीजें हैं, जिनसे इन्हें हर साल मुनाफा होता है। इसके अलावा इनका एक आलिशान बंगला है, जो कि हरिद्वार में स्थित है। वहीं ये मुंबई में रहते हैं, जहां इनकी कई प्रॉपर्टी हैं। कहा जाता है कि मुंबई में स्थित इनके घर की कीमत 4 करोड़ रुपए है। कभी साइकिल और स्कूटर से चलने वाले बाबा रामदेव के पास आज कई लग्जरी गाड़ियां हैं। रामदेव के कार कलेक्शन में रेंज रोवर, ऑडी जैसी कई लग्जरी कारें शामिल हैं। रामदेव की लग्जरी कारों की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। आपको बता दें कि सन 1995 में पतंजलि का कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ था। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने महज 13,000 रुपए में पतंजलि का रजिस्ट्रेशन कराया था। उस वक्त इन दोनों के पास सिर्फ 3,500 रुपए थे। किसी तरह दोस्तों से उधारी लेकर रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया था। बाबा रामदेव ने एक टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उन दिनों हरियाणा और राजस्थान के शहरों में हर साल करीब 50 योग कैंप लगाता था। उन दिनों बाबा रामदेव को अक्सर हरिद्वार की सड़कों पर स्कूटर चलाते देखा जाता था। आज पतंजलि के प्रोडक्ट इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं कि उन्होंने बाबा रामदेव को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया है, और बाबा रामदेव की ही मेहनत का ये कारण है कि आज पतंजलि दुनिया के हर कोने में यूज किया जा रहा है। पतंजलि के प्रोडक्ट कितने बेहतरीन हैं, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है।
और इस प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि यही वो वजह है कि घर घर में पतंजलि के प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, चाहे फिर वो नहाने वाला साबुन हो या खाने वाला घर में आटा या फिर कोई और सामान। आज पतंजलि दुनिया के नंबर वन ब्रांड में गिना जाता है। तो दोस्तों, क्या आप भी कोई पतंजलि का प्रोडक्ट यूज करते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।